देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री गांधीवादी नेता थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय में हुआ था। वर्ष 1920 में लाल बहादुर शास्त्री भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के चलते उन्हें कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी और स्वाभिमानी छवि की वजह से आज भी उन्हें बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। इस मौके पर शुक्रवार को चित्रगुप्त मंदिर सभा कायस्थ महासभा के सदस्यों ने शास्त्री चौक स्थित लाल बहादुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रमन अस्थाना, गौतम लाल श्रीवास्तव व चित्रगुप्त मंदिर सभा के विजय श्रीवास्तव ने कहा, हम लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। शास्त्री जी एक निष्ठावान व्यक्ति थे। विपरीत परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ देश की जो जरूरत पड़ी तो गांधी जी के साथ कर्मोत्क्रम मिला के साथ दिए। स्वतंत्रता आंदोलन भाग लिए, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, दांडी यात्रा करते हुए उनका साथ दिए। देश आजाद होने पर रेल मंत्री हुए, एक एक्सीडेंट उन्होंने इतना हालात हुआ इस्तीफा दिया। और जब सेकंड प्राइम मिनिस्टर हुए जवाहरलाल नेहरू होने के बाद तो पाकिस्तान में सर का स्ट्राइक कर करके न लाहौर तक कब्जा किया था, 90,000 सैनिकों को नतमस्तक किया था। ऐसे वीर सभी को मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। के भूतपूर्व प्रधानमंत्री सादगी के प्रतीक जय जवान जय किसान का नारा देने वाले चरित्रवान ईमानदार आदरणीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती हम सभी लोग यहां समारोह पूर्वक मना रहे हैं। आज मंदिर सभा की तरफ से, समाज की तरफ से, पूरे देश की तरफ से हम अब तक के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे उनको माल्यार्पण करके उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया हूँ। आज देश के और विदेशों में भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लाल बहादुर शास्त्री को न मानता हो। आज हम लोग गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मना रहे हैं। ये देश के बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये गरीबी से निकला हुआ व्यक्ति जो बुलंदी पे पहुंचा अपने राजनीति के और जिसपे एक दाग नहीं लगा, सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को पुनः हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करते हैं।